हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर तैयारी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वाई टी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू टू ई टू द पावर टी, देन लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी वाई टी इज, ऑप्शन है 2/3, 2/5, 2/7 एंड 2/9। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हमें चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए जहां पर भी हमारे पास जैसे y है वहां पर m पुट कर देते हैं, y है वहां m पुट, और जहां पे डबल डैश जितना भी डेरिवेटिव है वहां पे उतनी स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 4m इक्वल टू 0, सॉरी 4 एम स्क्वायर प्लस 4, जहां पे वाई को कॉमन ले लेते हैं। इस तरह इसको लिखने का सिंपल तरीका जो है हमारे पास वो है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू 2 ई टू द पावर टी था, तो यहां पे ये बेसिकली टी स्क्वायर चल रहा था ये हमारे पास। अब यहां से यहां पे जहां पे भी डी ओवर डी ये है वहां पे एम पुट करना है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारे पास, और यहाँ पे 4 ओनली 4 है, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया हमारे पास एम बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा, तो यहां से हमारे पास एम बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। तो इसका सी एफ हम लिख सकते हैं, सी एफ बराबर सी वन कॉस 2x 2t प्लस सी टू साइन 2t, ये फिर सी एफ आ गया। अब हमें पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास बेसिकली वाई बराबर पी आई वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स। तो यहां पे वन अपॉन एफ डी क्या है, यहां से देखते हो डी स्क्वायर प्लस 4 और ये है हमारे पास 2 ई टू द पावर टी। अब यहां पे अगर देखें ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में मतलब ई टू द पावर अल्फा टी होता है, और अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके देखते हैं डी की जगह, और नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में हम यहां पे लिख देते हैं जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ हो हमारे पास, और 2 ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू, ये 2 को हटाइए, ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर एल्फा टी अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे एल्फा की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो कॉन्स्टेंट आ गया जाएगा ई टू द पावर टी, ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर प्लस, यहां पे एल्फा की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इसका पी आई आ गया। अब फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम इसका, तो y बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा हमारे पास c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस 2 अपॉन 5 e टू द पावर t। और अब हमसे पूछा क्या है हमारे पास, e टू द पावर माइनस t डॉट y t, ये हमें चाहिए, फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो दोनों तरफ हम e टू द पावर माइनस t का मल्टीप्लाई करते हैं, तो e टू द पावर माइनस t वाई टी बराबर सी वन कोस टू एक्स ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी टू साइन टू एक्स ई टू द पावर माइनस टी प्लस, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस टी डॉट ई टू द पावर टी, तो ये हमारे पास ई टू द पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि आधा समान रूप में घात जुड़ जाती है, और ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2/5। अब फ्रेंड्स, अगर लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो यहां पे देखेंगे हमें यहां पे हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी हर फंक्शन पे हो जाएगा, तो बेसिकली मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये हो गया यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, टी टेंस टू इनफिनिटी यानी ई टू द पावर माइनस इनफिनिटी, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर इनफिनिटी, और ये इनफिनिटी तो 1 अपॉन इनफिनिटी अपॉन 0, तो ये 1 अपॉन इनफिनिटी बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0, तो हमारे पास ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस, और ये कॉन्स्टेंट है 2/5। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे पास इक्वल टू 2/5 यानी ये वैल्यू जो है लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी
वाई टी इक्वल टू 2y5। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।